Good evening, students. How are you all? I hope you all are fine and very good, and you are studying your syllabus very carefully. Students, we have done 9 chapters in English grammar, in which we have skipped 2 chapters. Up to 9 the chapter articles we have completed in English grammar. Jo chapter rehte hain, we will do them later. First of all, we will do our English literature. We have to complete it. We have only 2 chapters, 4 half yearly exam in English literature. तो हमें सिर्फ 2 ही चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट करने हैं, जिनको हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा ग्रामर पार्ट रहता है उसे हम कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव डन योर इंग्लिश ग्रामर वर्क, यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक. सो टुडे वी विल डू चैप्टर 4 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विच नेम इज़ अनफॉरगेटेबल सलीम अली. दिस चैप्टर इज़ अबाउट सलीम अली, हु इज़ अ बर्ड वॉचर एंड ही हु इज़ अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया. ही इज़ कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ही हैज़ डन मैनी वर्क, ही हैज़ डन मैनी इम्प्रूवमेंट्स फॉर इन ऑर्निथोलॉजी. ही हैज़ गिवन सो मैनी थिंग्स इन ऑर्निथोलॉजी. उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, स्टडी की है, रिसर्च की है बर्ड्स के बारे में. ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ बर्ड्स, ही नोज, ही न्यू सो मैनी थिंग्स अबाउट बर्ड्स. ही कैन, ही कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स. ही नो, ही न्यू अबाउट द फूड ऑफ बर्ड्स. बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में सलीम अली जानते थे. उन बर्ड को देखने का, नई नई बर्ड्स को देखना, उनके बारे में पता लगाना, उनके बारे में रिसर्च करना. इंडिया को ऑर्निथोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट्स दिए हैं सलीम अली ने, वो किसी ने नहीं दिए. उनके जितना वर्क किसी ने नहीं किया. तो यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जिनको आपको उनके नाम से मैच करना है. ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो साइबेरियन होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी साइबेरिया जैसी ठंडी जगह होती है. तो सर्दियों में, विंटर के मौसम में ये बर्ड्स माइग्रेटरी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो इंडिया में आ जाती हैं इन कोल्ड प्लेसेस को छोड़कर. तो आपको उन बर्ड्स को उनके नेम से क्या करना है, मैच करना है. जैसे येलो वैगटेल को आपको सेकंड नंबर वाली जो बर्ड है उससे मैच करना है, इसी तरह से सब सारे आपको मैच करने हैं. आप इन्हें सर्च करके मैच कर लीजिएगा. लेट्स लर्न अबाउट सलीम अली. सलीम, द फुल नेम ऑफ सलीम अली इज़ सलीम मोइज़ुद्दीन अब्दुल अली, एंड ही वॉज बॉर्न इन 12 नवंबर इन 1896 इन बॉम्बे, यानी मुंबई. वो मुंबई में 1896 में पैदा हुए. व्हेन ही वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड हिज फादर हैड डाइड, एंड व्हेन ही वाज ओनली 3 ईयर्स ओल्ड हिज मदर आल्सो डाइड. हिज अंकल मींस उनके मामा ने उनकी देखभाल की. उन्होंने और उनके मामा, और जिनका नाम अमीरुद्दीन अली था, और उनकी चाची, उन दोनों ने मिलकर उनकी देखभाल की, उनको पढ़ाया लिखाया. तो सलीम अली जो थे, उनको बचपन से ही बर्ड वॉचिंग का शौक़ था. वो बर्ड वॉचर थे, यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, एक्सप्लोरर थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, टीचर एंड राइटर थे. पद्म विभूषण अवार्ड ही, उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था, और उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट से भी नवाजा गया, और उनको पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेट भी किया गया था. ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. उन्होंने BNHS को बनाने में बहुत हेल्प की, और वो उनके बड़े जो है लोगों में से थे, BNHS के बड़े लोगों में से थे. लेट अस रीड द चैप्टर. अ 10 ईयर्स ओल्ड सलीम अली सलीम फाउंड अ स्ट्रेंज लुकिंग स्पैरो विद अ येलो स्ट्रीक बिलो इट्स नेक. सलीम अली जब 10 साल के थे, तो उनको एक स्पैरो दिखाई दी, जिसे जो उनको बहुत स्ट्रेंज लगी, जिसकी नेक के नीचे एक स्ट्रीक थी. स्ट्रीक मीन्स येलो, सॉरी, लॉन्ग थिन लाइन, यानी उसकी नेक के नीचे एक येलो कलर की थिन लाइन थी. जब उन्होंने उस बर्ड को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यानी BNHS के सेक्रेटरी को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ये येलो थ्रेडेड
स्पैरो है, और फिर वो उसे उनको यानी सलीम अली को वहाँ ले गए BNHS में, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बर्ड्स का उनको कलेक्शन दिखाया, जिसे देखकर वो बहुत हैरान भी हुए और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए। और फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को जो है बर्ड्स के लिए ही डिवोट कर दिया। सलीम अली वाज एन एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल। ही लेफ्ट कॉलेज एंड स्पेंट द नेक्स्ट 10 years इन बर्मा एज अ पार्टनर इन हिज ब्रदर्स टिम्बर एंड वुल्फ्रेम बिजनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम इन बर्मा ही वुड बी ऑब्जर्विंग बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ। सलीम अली जो थे वो पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थे, यानी पढ़ाई में उनका ज़्यादा दिल नहीं लगता था। फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वो बस 10 साल तक बर्मा में अपने भाई का बिजनेस, अपने भाई के साथ टिम्बर और वुलफ्रेम का बिजनेस करते रहे, यानी लकड़ी और वुलफ्रेम एक जो है मेटल होता है उसका बिजनेस करते रहे। और वहाँ पर बर्मा में जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, फॉरेस्ट हैं, इसलिए वहाँ पर रहकर उनको उनका दिल लगता था। और वहाँ पर भी वो अपना टाइम बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करने में और वाइल्ड लाइफ को ऑब्ज़र्व करने में ही बिताते थे। When the business collapsed, Salim Ali came back and got a job as a guide lecturer at Mumbai's Prince of Wales Museum in 1927. जब सलीम अली वापस, जब उनका बिजनेस, इनके भाई का जो बिजनेस था, जब वो कोलेप्स्ड हो गया यानी डाउन हो गया, तो फिर वो वापस मुंबई आ गए और वहाँ पर उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में गाइड लेक्चरर की जॉब कर ली। किस डेट में? 1927 में। After 2 years, he decided to study ornithology at the Berlin University Zoological Museum. 2 साल के बाद, लेकिन उन्होंने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने 2 साल के बाद ये सोचा, ये फ़ैसला किया कि वो बर्लिन यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर ornithologic स्टडी करेंगे। वहाँ पर वो गए और उन्होंने बर्लिन के जूलॉजिकल म्यूज़ियम में ornithology बारे में स्टडी की। When सलीम अली रिटर्न टू मुंबई अ ईयर लेटर, हिज गाइड लेक्चरर्स पोस्ट हैड बीन एबोलिश्ड। जब 1 साल के बाद वो बर्लिन से वापस मुंबई आए, तो उनकी जो गाइड लेक्चरर की जॉब थी वो ख़त्म हो चुकी थी। एबोलिश्ड मीन्स ख़त्म हो जाना। देयर वॉज नो चांस ऑफ वर्किंग फॉर द एनवायरमेंट आइदर बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। अब उनके पास गवर्नमेंट जॉब करने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि उनके पास कॉलेज डिग्री भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो है कॉलेज बीच में ही लेफ्ट कर दिया था। बट सलीम्स वाइफ तहमीनाज फैमिली ओन्ड अ स्मॉल कॉटेज इन कीहिम, अ कोस्टल विलेज टू द साउथ ऑफ मुंबई। लेकिन उनकी जो वाइफ थी तहमीना, उनकी वाइफ का नाम क्या था? तहमीना। द नेम ऑफ हिज वाइफ इज़ तहमीना। उनकी फैमिली का एक छोटा सा कॉटेज था कीहिम में, जो कि मुंबई के साउथ में एक कोस्टल विलेज है, वहाँ पर उनकी फैमिली का एक कॉटेज था। तो वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ चले गए। कीहिम वाज ग्रीन एंड फुल ऑफ बर्ड्स, दिस केप्ट सलीम अली ऑक्यूपाइड विद हिज फेवरेट हॉबी। कीहिम जो है वो बहुत ग्रीन है, यानी वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है और बहुत सारी बर्ड्स हैं, इसलिए वहाँ पर अली का बहुत दिल लगा और वहाँ पर उनको अपनी फेवरेट हॉबी भी मिल गई, यानी जो उनको काम करना अच्छा लगता था वो काम करने का उनको मौका मिला वहाँ पर बर्ड्स को देखने का। डोंट टेक अ जॉब, तहमीना एडवाइज्ड हिम, इफ़ यू कांट एन्जॉय इट। उन्होंने कहा कि तुम अगर इसे एन्जॉय नहीं कर सकते तो जॉब मत करो, यानी उन्होंने कहा तुम यहीं पर रहो। In 1930, Salim Ali went to BNHS with a proposal to study Indian birds systematically, which had never been done before. 1930 में सलीम अली कहाँ गए? BNHS गए एक प्रपोज़ल के साथ, जिसमें उन्होंने प्रपोज़ल रखा कि इंडियन बर्ड्स के बारे में सिस्टमेटिकली स्टडी करने का। देन ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, यानी ऐसा जो काम सलीम अली ने किया वो किसी ने नहीं किया था। ही डिड नॉट वांट अ सैलरी ऑन दी एक्सपेंसेस फॉर दिस ऑर्निथोलॉजिकल सर्वेस। वो उस काम के लिए कोई यानी सैलरी नहीं चाहते थे, बस वो ही एक्सपेंसेस उनको चाहिए होते थे जो कि इन सर्वेस में उनके काम आ सकते हों। For the next 20 years, he roamed the subcontinent studying birds from Kutch to Sikkim and Afghanistan to Kerala, weaving history, ecology, geography into his description of birds and their habitat.
फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 20 साल तक वो सब कॉन्टिनेंट इधर से उधर सब कॉन्टिनेंट में घूमते रहे, इन बर्ड्स के बारे में स्टडी करते रहे। वो कहाँ से कहाँ तक गए, कच्छ से लेकर सिक्किम तक और अफ़गानिस्तान से लेकर केरला तक उन्होंने बर्ड के बारे में स्टडी की। उनकी हिस्ट्री, उनकी इकोलॉजी, उनकी ज्योग्राफी, सब उनकी उन्होंने जो बर्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें इंक्लूड था, और उनके जो है हैबिटेट भी थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1941, स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डेट्स, इन विच डेट सलीम अली व्हाट वर्क हैव डन। ओके, इन विच डेट सलीम अली व्हाट वर्क हैज डन, आपको ये डेट्स याद रखनी है कि सलीम अली ने किस डेट में क्या काम किया था। इन 1941 ही पब्लिश द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट ही हैज पब्लिश्ड अ बुक विच नेम इज़ द इंडियन बर्ड्स इन 1941। उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसको 1941 में पब्लिश किया, जिसका नाम था द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द फर्स्ट ऑफ मेनी मोर बुक्स टू कम। इट वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस एंड इट्स रॉयल्टीज इनेबल्ड हिम टू रिपे हिज ओल्ड बिजनेस डेब्ट्स। बहुत सी बुक आई लेकिन ये बुक जो है सबसे ज़्यादा जल्दी सक्सेस हुई, और इसकी जो रॉयल्टीज़ थी वो सलीम अली को अपने बिजनेस के डेब्ट्स रिपे करने में उन्होंने हेल्प की, यानी उनके बिजनेस में जो उनके ऊपर डेब्ट्स थे, कर्जा हुआ था, उसको उन्होंने इसकी रॉयल्टीज से रिपे कर दिया। By 1960, the man who had once been rejected for a government job for want of a degree was guiding PH scholars. 1960 में जिस आदमी को कॉलेज डिग्री ना होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था, अब जो है उन्हें PhD स्कॉलर, अब जो है वो PhD स्कॉलर्स थे, उसे गाइड कर रहे थे। सलीम अली हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया, ऑल्दो रिकॉग्निशन केम लेट, ही रिसीव्ड सेवरल ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड न्यूमरस अवार्ड्स। सलीम अली ने ऑर्निथोलॉजी में इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट किए, और उनका जो रिकॉग्निशन है लेट आया, लेकिन उनको बहुत सारे ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ही वॉज अवार्डेड जॉय गोविंदा लोक गोल्ड मेडल बाय द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1953 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने उनको जॉय गोविंदा लोक गोल्ड मेडल से नवाजा। ही रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1958, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 एंड आंध्रा यूनिवर्सिटी 1978। स्टूडेंट्स, ही हैज़ रिसीव्ड सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ रेस्पेक्टिवली फ्रॉम मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आंध्रा यूनिवर्सिटी, एंड द डेट्स आर ऑल्सो गिवन हेयर। इन 1967 ही बिकेम द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश सिटीजन टू रिसीव द गोल्ड मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन। 1967 में उनको गोल्ड मेडल मिला ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन से, और वो जो है पहले नॉन ब्रिटिश सिटीज़न बने जिसको ये गोल्ड मेडल मिला था, यानी वो ब्रिटिश के नहीं थे। सलीम अलीज राइटिंग्स एंड अवार्ड ब्रॉट हिम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बट ही केप्ट वेरी लिटिल फॉर हिमसेल्फ, लिबरली हैंडलिंग आउट स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स टू नीडी स्टूडेंट्स। सलीम अली को उनकी राइटिंग से, यानी वो जो बुक्स लिखते थे उनसे, और उनकी जो अवार्ड्स थे उससे एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता था, लेकिन उसमें से वो क्या करते थे, वो सिर्फ उतना ही अपने पास रखते थे जितना कि ज़रूरत होती थी, बाकी वो सब जो है स्कॉलरशिप के लिए या फिर नीडी स्टूडेंट्स के लिए ग्रांट कर देते, यानी उनको डोनेट कर देते थे। उनके अंदर डोनेशन की आदत भी बहुत थी, वो बहुत हेल्प करते थे, और जो लोग ऑर्निथोलॉजी में होते थे या फिर कोई फंड या फिर कोई सोसाइटी होती थी तो उसमें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। सलीम अली डोनेटेड हिज 1976 पॉल गेटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज वर्थ $50,000 टू अ कंजर्वेशन रिसर्च फंड एट द BNHS। तो देखिए स्टूडेंट्स, उनको जो अवार्ड मिला था 1976 में पॉल गेटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज, उसकी जो प्राइज मनी थी वो $50,000 थी,
जो कि उन्होंने एक BNHS में कंजर्वेशन रिसर्च फंड को डोनेट कर दी थी। इतना डोनेशन करते थे वो, अपने पास कुछ नहीं रखते थे अपनी ज़रूरत के अलावा। और उनका जो शौक़ था वो बर्ड वॉचिंग था, और इसके अलावा राइटिंग लेटर्स भी सलीम अली का पैशन था, वो लेटर्स भी लिखते थे। द सेटिंग अप ऑफ द भरतपुर एंड करनाल बर्ड सेंचुरीज, भरतपुर और करनाल बर्ड सेंचुरीज सेटअप करने के लिए द डिसीजन नॉट टू डिस्ट्रॉय केरला साइलेंट वैली फॉर द सेक ऑफ पावर प्रोजेक्ट एंड मैनी अदर सिमिलर मीजर्स वर ड्यू टू हिज पावरफुल लेटर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बहुत अच्छे लेटर्स, बहुत पावरफुल लेटर्स लिखे, जिसके नतीजे में ये हुआ कि जो भरतपुर और करनाल बर्ड सेंचुरीज थी उनको सेटअप किया गया, और केरला की जो साइलेंट वैली थी उसको नष्ट नहीं होने दिया गया। ये सब किसकी वजह से हुआ? सलीम अली के और उनकी जो लेटर राइटिंग में पावर थी उसकी वजह से। सलीम अली ऑल्सो लव्ड मोटर बाइक्स। सलीम अली को मोटर बाइक्स का भी शौक़ था, ये भी उनका पैशन था, यानी मोटर बाइक्स, लेटर राइटिंग और बर्ड्स वॉचिंग, ये सब उनके पैशन थे। ही शिप्ड हिज मैसिव सनबीम 500 CC, ये उनकी बाइक का नाम है, मोटर बाइक टू स्वीडन। वो शिप से उसे स्वीडन लेकर गए। विद हिज लगेज स्टेप्ड बिहाइंड हिम, अपने लगेज को छोड़कर जो उन्हें तंग आ गए थे। ही रोड इन टू एन ऑर्निथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस इन हिज बाइक, वो एक ऑर्निथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में अपनी बाइक से गए। स्टार्टलिंग द अदर डेलीगेट्स, अपने दूसरे काम वो आश्चर्यजनक रूप से अपने काम दूसरों को सौंप कर वो कॉन्फ्रेंस में गए। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ही रोड थ्रू यूरोप मीटिंग फ्रेंड्स एंड वॉचिंग बर्ड्स, और कॉन्फ्रेंस के बाद वो यूरोप में दोस्तों से मिलने और बर्ड वॉचिंग के लिए यूरोप गए। स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्टोरी अबाउट सलीम अली, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इन फ्रांस सलीम अली वाज इंजर्ड अ कोलिजन विद अ स्पीडिंग ट्रक, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोट आउट ऑफ हिज हॉस्पिटल बेड एंड रिपेयर्ड द बाइक हिमसेल्फ, हैड बैंडेज्ड, ही केप्ट अ लंच अपॉइंटमेंट लेटर दैट डे। देखिए स्टूडेंट्स, वो कितने ज़्यादा क्रेजियस हिम्मत वाले थे। उन जब वो फ्रांस में थे तो एक तेज़ रफ्तार से आते हुए ट्रक से उनकी टक्कर हुई, कोलिजन टक्कर। लेकिन क्या किया उन्होंने, अगले दिन ही अपने हॉस्पिटल के बेड से उठकर उन्होंने खुद ही अपने आप अपनी बाइक जो है रिपेयर की, और उनके सर पर बैंडेज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी दिन एक लंच अपॉइंटमेंट को एक लंच के लिए अपॉइंटमेंट था वो किया। तो मतलब ये कि वो चोट खाने के बाद भी, इंजर्ड होने के बाद भी आराम से नहीं बैठे। अंटिल ही वाज 87 ईयर्स ओल्ड सलीम अली कंडक्टेड मेजर एक्सपेडिशन, जब तक कि वो 87 ईयर्स के हुए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशंस के, यानी बहुत सारी लॉन्ग जर्नी की। ही स्पेंड 4 weeks इन द एक्सक्यूसाइटली ब्यूटिफुल नमधापा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। 1983 में वो कहाँ गए, अरुणाचल प्रदेश गए। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत नज़ाकत वाला नेशनल पार्क है जिसका नाम नमधापा है, और वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। 2 years later he was planning to go to the Himalayas in search of the mountain quail। फिर उन्होंने 2 साल के बाद हिमालय पर जाने का फैसला किया, किसके खोज में, माउंटेन क्विल। क्विल होता है एक तरह का, एक बर्ड होती है जिसे बटेर कहते हैं, तो वो वहाँ पर जाना चाहते थे। उन्होंने वहाँ जाने की प्लानिंग की, उसकी सर्च में लास्ट सीन इन 1858, बट सडनली ही फेल इल। लास्ट में 1858 में वो क्या हुआ, अचानक बीमार हो गए और वापस आ गए, यानी वहीं पर रह गए। ही यूज़ द टाइम टू फिनिश 1 more book, उन्होंने अपना ये टाइम एक और बुक को फिनिश करने में लगाया, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, जिसका नाम था द फॉल ऑफ अ स्पैरो, हिज डिलाइटफुल ऑटोबायोग्राफी। और वो बुक क्या थी, वो सलीम अली की बायोग्राफी थी जो उन्होंने लिखी थी, जिसको उन्होंने फिनिश किया था, जिसका नाम था द फॉल ऑफ अ स्पैरो। वन ऑफ सलीम अलीज़ लास्ट विशेज़ वाज
to set up an ornithological institute in Mumbai in April 1987 after his illness had been diagnosed as cancer. He flew to Delhi to convince the Prime Minister about the need for the institute. Saleem Ali wanted that the ornithological institute was set up in Mumbai. Saleem Ali chahte the ki Mumbai mein ek ornithological institute banaya jaye. तो इस उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन अप्रैल 1987 बीमार होने के बावजूद भी 1987 में जबकि उनको कैंसर डायग्नोस कर दिया गया था, यानी उनको कैंसर हो गया था, वो दिल्ली गए प्राइम मिनिस्टर को इंस्टीट्यूट में जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, वो उनको कंप्लीट हो जाएं उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करने के लिए गए. हॉस्पिटलाइज्ड ऑन लैंडिंग ही केप्ट इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू द सेमिनार अंटिल द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड हिम एंड एंश्योर्ड फुल सपोर्ट. फिर वहाँ से आने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी वो सेमिनार में प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए इंसिस्ट करते रहे जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उनसे आकर नहीं मिले और उन्होंने उनको फुल सपोर्ट के लिए अश्योर नहीं किया, यानी फुल सपोर्ट देने के लिए यकीन नहीं दिलाया. तो इतना क्रेज़ था सलीम अली को बर्ड्स के लिए. 2 months later सलीम अली डेड और उसके 2 महीने के बाद सलीम अली जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी वो मर चुके थे. इन 1990 द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजिकल एंड नेचुरल हिस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोयम्बटूर. तो फिर क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई 1990 में और उसके बाद एक सेंटर बनाया गया सलीम अली के नाम से ऑर्निथोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री का, कहाँ पर, कोयम्बटूर में, जो कि एक तमिलनाडु की एक सिटी है. वहाँ पर ये सेंटर बनाया गया जिसे सेकोन भी कहते हैं, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री. ऑर्निथोलॉजी तो आप जानते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी. एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट द पर्सन हु टेक्स इंटरेस्ट इन बर्ड्स, वो इंसान जिसको बर्ड्स में स्टडी करने में इंटरेस्ट होता है उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो स्टडी बर्ड्स के बारे में की जाती है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, सलीम अली को जो है बहुत शौक़ था बर्ड्स का, वो उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे, यहाँ तक भी कहा जाता है कि वो उनकी लैंग्वेज भी समझते थे और उनके पास 100 से ज़्यादा तरीके थे बर्ड्स को विदाउट एनी हार्म पकड़ने के, यानी वो बर्ड्स को कुछ नुकसान पहुँचाए बगैर 100 से भी ज़्यादा तरीके जानते थे. वो उन्होंने बर्ड्स के लिए बहुत गहराई से स्टडी की, वो इतनी चीज़ें बर्ड्स के बारे में कोई नहीं जानता जितने कि सलीम अली जानते थे. और वो इंडिया के बर्डमैन कहलाते हैं, बर्ड वाचर कहलाते हैं, और वो एक लेक्चरर भी थे, एक टीचर भी थे और पद्म भूषण अवार्डी भी थे. तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑल द डेट्स विच हैव यू रीड इन दिस चैप्टर. I hope you will like this. It is a very, very interesting story. You can read about Saleem Ali on internet and his books also. So students, I hope you will like this story. Let's do the exercise work. Select the correct answer. How old was Saleem Ali when he found a yellow-throated sparrow? Saleem Ali कितने साल के थे जब उनको yellow-throated sparrow मिली थी, कितने साल के थे? 10 years old. In Burma, Saleem Ali. Burma में Saleem Ali क्या करते थे? Guide lecturer थे या businessman थे या फिर tourist थे? नहीं, वो businessman थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपने भाई के साथ business किया. Saleem Ali's first book is, उनकी पहली book का नाम क्या था? The Book of Indian Birds. सलीम अली won the Paul Getty Wildlife Conservation Prize. उनको Wildlife Conservation Prize कब मिला था? Do you know it? कब मिला था? बताइए. 1976 में. नमदापा National Park is situated in. नमदापा National Park कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश. The man who had once been rejected for a government job for want of a degree was guiding PhD scholars.
वाट गवर्नमेंट जॉब इज़ बीइंग रिफर्ड, ये जो लाइन दी गई है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसके साथ ये दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। वाट गवर्नमेंट जॉब, कौन सी जॉब के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए सलीम अली ने अपने आप को कैसे क्वालिफाई किया। आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। सलीम अली वाज अ पैशनेट मैन, डू यू एग्री? यस वी एग्री दैट ही वाज अ पैशनेट मैन। व्हाई डिड सलीम अली डोनेट, उन्होंने अपनी जो प्राइज मनी थी उसको क्यों डोनेट कर दिया था। आफ्टर रीडिंग अबाउट सलीम अली डू यू फील इंस्पायर्ड बाई हिम? यस वी इंस्पायर्ड बाई हिम। तो आई विल गिव यू आंसर्स ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट वर्क, मैच दीज आइटम्स विद देयर मीनिंग्स, यू हैव रीड सम ऑफ देम इन दिस चैप्टर। कुछ वर्ड्स हैं एक कॉलम में और एक कॉलम में, उनके मीनिंग से आपको उन वर्ड्स को उन मीनिंग से मैच करना है। बर्ड वॉचिंग मीन्स द एक्टिविटी ऑफ वॉचिंग वाइल्ड बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजिस्ट समवन हु स्टडीज बर्ड्स, ये आपको मैंने बताया है, वो कोई इंसान जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। रिंग, द मेटल रिंग विद अ नंबर ऑफ ऑन इट पुट अराउंड द लेग ऑफ अ बर्ड, एक रिंग होती है जो बर्ड के लेग में पहना दी जाती है जिससे बाद में उसकी पहचान हो जाती है। ट्वीचर वन हु सीक्स अ रेयर बर्ड। और ऑर्निथोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड। स्टूडेंट्स यू विल डू इन योर बुक एंड this exercise also you have to do. Here are two sounds id and d. कुछ words ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से id का sound आता है, as needed. Needed में id का sound आ रहा है, and described में only d का sound. तो जितने यहाँ पर words हैं you have to write before them id and d. As peeped you have to write here d and constructed. You know that here is the sound of id, so you have to write here id. ये आपको फिल करना है, जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर d और id का साउंड आ रहा है, ये आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग फ्रॉम योर चैप्टर एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर इन योर सब्जेक्ट नोटबुक। ओके, थैंक यू सो मच।